And today we will discuss some more questions from chapter 6, fun with give and take. So let us start. First question, can you help Nabila? क्या आप नेबिला की हेल्प कर सकते हो? आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, नेबिला एक स्मॉल गर्ल है, लिटिल गर्ल है, और वो कुछ यहाँ से शॉपकीपर से खरीद रही है, बाय कर रही है ना? तो नेबिला's mother sent her to the market to buy some things. She gave her rupees 245. तो नेबिला के मम्मा ने उसे मार्केट में भेजा है कुछ खरीदने, और उसको कितने रुपए दिए हैं? 245 रुपीस. Nabila bought 1 kg ghee for rupees 127. तो Nabila ने क्या खरीदा है बच्चों? 1 kg ghee. कितने रुपए का? 127 का, है ना? The shopkeeper gave her back rupees 98. शॉपकीपर ने उसे कितने रुपए वापस किए हैं? 98 रुपीस. ठीक है बच्चों, तो आपको चेक करना है. क्या चेक करना है? Did the shopkeeper give her the right amount? क्या शॉपकीपर ने नेबिला को सही पैसे दिए हैं? तो क्या करना होगा उसके लिए हमें? तो बच्चों, यहाँ पे नेबिला की मम्मा ने उसे कितने पैसे दिए थे? 245. और घी कितने का आया है? 127. तो आप, अगर आपको चेक करना है कि क्या ये अमाउंट सही है, राइट है, तो आपको क्या करना होगा? 245 मींस बिगर नंबर में से दिस स्मॉलर नंबर 127 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं. लेट अस फाइंड आउट. तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों? दोनों नंबर्स को, बिगर नंबर को ऊपर रखना है, स्मॉलर नंबर को नीचे, और इसे कॉलम वाइज अरेंज कर लेना है. और अब हम कॉलम वाइज ही सब्ट्रैक्शन करेंगे. वंस प्लेस में से वंस को सब्ट्रैक्ट, टेंस प्लेस में से टेंस को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है बच्चों यहाँ पे 5 माइनस 7. क्या आप 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 7. 5 इज लेस देन 7. 5 इज अ स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर में से हम बिगर नंबर को तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो अब क्या कीजिएगा? अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये टेंस प्लेस पे जो 4 है, इस 4 से हम कैरी ले लेंगे, है ना? तो 4 से हमने क्या लिया? कैरी. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कौन सा प्लेस है? यस, टेंस प्लेस. और जब हम टेंस प्लेस से 1 कैरी लेंगे, मींस 110. 110 मींस 10, है ना? तो 10 प्लस 5, वो जो 10 हमने कैरी लिया है, वो 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 15, है ना? अब 15 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 15 माइनस 7 इज इक्वल टू हाउ मच? यस, 8. तो 15 माइनस 7, 8. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले क्या था? 4. अब 4 था, 4 में से तो हमने कैरी ले लिया. अब यहाँ पे 4 रहेगा? नहीं रहेगा. अब इस 4 के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3, है ना? नाउ 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. अगेन सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. सो वी हैव 118. आवर आंसर इज 118, है ना? सो द शॉपकीपर हैड टू गिव नेबिला रुपीज 118. अब शॉपकीपर को नेबिला को कितने रुपए देने चाहिए? 118 रुपीज. और अभी दिए कितने हैं? 98. तो ये तो कम पैसे दिए हैं, है ना? चलिए देखते हैं. हाउ मच मोर मनी शुड द शॉपकीपर गिव नेबिला? अब शॉपकीपर ने कम पैसे दिए थे बच्चों, तो हमें चेक करना है कि शॉपकीपर अब नेबिला को और कितने रुपए देगा, है ना? 98 तो वो दे चुका है. तो चेक करने के लिए अगेन हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है. सो वंस प्लेस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. बिकॉज सेम माइनस सेम, अगर आपकी दोनों नंबर सेम है तो क्या आएगा सब्ट्रैक्शन करने पे? 0, है ना? यहाँ पे देखिए बच्चों, टेंस प्लेस पे क्या है? अब 1, है ना? तो 1 माइनस 9, क्या आप 1 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? बताइए. नो, बिल्कुल भी नहीं बच्चों. बिकॉज 1 इज लेस देन 9.
वन तो छोटा है और छोटे में से बिगर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो थर्ड प्लेस पे वन है यहाँ से हम इससे कैरी ले लेंगे, है ना। तो कैरी लेने पे यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, वन। सो वी हैव 11 ऑन दिस प्लेस, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो 1 था तो 1 से तो हमने कैरी ले लिया, क्या यहाँ पे 1 रहेगा, नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 तो चला गया कैरी में, है ना। तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट हमारा आंसर तो आ चुका है, यहाँ पे हमने हमें क्या मिला 20। सो शॉपकीपर को नेबिला को कितने रुपए मोर देने हैं, कितने रुपए और देने हैं, 20 रुपीस। इजी है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों बेबी टोर्टोइस इज 33 इयर्स ओल्ड, मम्मी टोर्टोइस इज 150 इयर्स ओल्ड। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बिगर मम्मी टोर्टोइस और ये बेबी टोर्टोइस। तो बेबी टोर्टोइस की एज कितनी है, 33 इयर्स, और मामा टोर्टोइस की एज कितनी है, 150, है ना। तो चलिए हाउ मच यंगर इज द बेबी टोर्टोइस देन मामा टोर्टोइस। तो बच्चों आपको बताना है कि जो बेबी टोर्टोइस है वो मम्मी टोर्टोइस से कितना छोटा है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यस सब्ट्रैक्शन, हमें इन दोनों की एजेस का डिफरेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले एज ऑफ मम्मी टोर्टोइस इज 150 इयर्स, है ना, और एज ऑफ बेबी टोर्टोइस इज 33 इयर्स। We have to find difference of both ages. तो हमें 150 minus 33 करना होगा, subtraction करनी होगी, है ना। तो चलिए करते हैं subtraction. यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने इन दोनों numbers को column wise arrange कर लिया है, ones, tens and hundred. तो subtraction शुरू करें, yes, सबसे पहले ones place से यहाँ पे क्या है, zero. 0 माइनस 3, क्या आप 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 3, है ना, और स्मॉलर में से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करें, यस ये जो टेंस प्लेस पे 5 लिखा हुआ है यहां से हम क्या ले लेंगे, कैरी, है ना। अब टेंस प्लेस से कैरी लिया है मींस 1 कैरी लेते हैं, 110, है ना। तो 10th प्लेस से कैरी लिया है तो 110 आएगा, 110 मींस 10 एंड 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो यहां पे बच्चों 0 था, मैंने कैरी लिया तो यहां पे क्या आ गया, 10। नाउ 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, है ना। तो अब देखिए बच्चों यहां पे 5 था और 5 जब हमने कैरी ले लिया तो ये तो 5 खत्म हो जाएगा, अब फेरी इस 5 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4, है ना, कैरी लेने पे यहाँ पे कम हो जाता है। नाउ 4 माइनस 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, यस क्या आएगा, 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा यहाँ पे ये जो 1 है इसके नीचे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो वी हैव आवर आंसर इज 117, 117, इजी है ना बच्चों। सो बेबी टोर्टोइस इज 117 ईयर यंगर देन मम्मी टोर्टोइस। बच्चों बेबी टोर्टोइस जो है वो 117 ईयर्स मम्मी टोर्टोइस से छोटा है, इजी है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।